पीडीएम और हुकूमती इतिहाद का मुल्क में कबल इस वक्त इलेक्शन ना करवाने का फैसला। पीडीएम और इतिहादियों के इजलास में मुत्तफिका फैसले किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं, उमर इस्लम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर इस्लम बताएगा क्या अहम फैसले हुए हैं आज के इजलास में। बिल्कुल, आज अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर और वजीर अजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइश पर अहम और बड़ी सियासी बैठक हुई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और जबकि पीपल्स पार्टी के जो है सबक सदर आसिफ अली जरदारी समेत जो है अहम हुकूमती इतिहादी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में पंजाब में जो हालिया जिमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को बदतरीन शिकस्त हुई है, इस पर भी जो है वो तफसीली तौर पर गुफ्तगू हुई। जराए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि पीडीएम और हुकूमती इतिहाद का मुल्क में कबल अज़ वक्त इलेक्शन ना करवाने का फैसला किया गया है। जराए के मुताबिक कबल अज़ वक्त इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं बल्कि हुकूमती इतिहाद के मुत्तफिका फैसले के तहत होंगे, ये फैसला किया गया है। इजलास में जो है वो तमाम जो हुकूमती इतिहाद की सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ जो हैं वो भी दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि नेक नियति से अवाम की खिदमत कर रहे हैं, मुश्किल हालात ने जो है वो मुल्क की भागदौड़ को संभाला है। जी बहुत शुक्रिया उमर इस्लम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।